नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक वैकेंसी निकली है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में, तो उन्होंने ये जो आप विज्ञापन देख सकते हो 8 फरवरी 2018 का ये विज्ञापन है, तो इसमें किस प्रकार के पोस्ट का उन्होंने जो भर्ती का आयोजन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएँ होगी, क्या क्या इसमें जो है जो उम्र सीमा रखी गई है, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और किस प्रकार जो परीक्षा का पैटर्न होगा, किस प्रकार यानी सिलेक्शन का जो फॉर्मेट होगा, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो ये बेसिकली जो है ये ड्राइवर और जो चतुर श्रेणी कर्मचारी होते हैं उन्होंने इनके लिए 2309 पदों का यहाँ पर इन्होंने भर्ती का आयोजन रखा है। तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस के लिए कितनी पोस्ट है। तो इन्होंने जो डिवाइडेशन का करने का जो तरीका रखा है वो ये रखा है कि जिस प्रकार अपने राजस्थान में नॉन TSP एरिया और TSP एरिया है, उस प्रकार का उन्होंने भर्तियों का डिवाइडेशन करने का तरीका रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉन TSP एरिया है उन्होंने इसके लिए 2178 पोस्ट का जो क्राइटेरिया रखा है, उसमें देखिए अलग अलग होंगे। जो अजमेर न्याय क्षेत्र होगा उसमें 83 होगी, वो जनरल के लिए होगी। इसी प्रकार SC ST और जो है अन्य पदों के लिए जो इन्होंने पोस्ट टोटल है 159 पोस्ट हैं। उसके अलावा अलवर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 110 पोस्ट हैं। उसी प्रकार बालोतरा न्याय क्षेत्र की बात करें तो 69 है, बारा न्याय क्षेत्र की बात करें तो 64 है। टोटल कुल की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो निसर्गजन है, जो PH वगैरह हैं, उनके लिए भी अलग से पोस्ट का है वो रखा गया है। इसी प्रकार भरतपुर न्याय क्षेत्र है वहाँ पर 103 पोस्ट है, भीलवाड़ा न्याय क्षेत्र है वहाँ पर 116 पोस्ट है, बीकानेर जो है वहाँ पर 63, बूंदी 52, चित्तौड़गढ़ है वो 148, चूरू है वहाँ पर 55। इसी प्रकार यहाँ पर जो धौलपुर है, ये तमाम प्रकार के जो है न्याय क्षेत्र यहाँ पर अलग अलग पोस्टों का इन्होंने जो विवरण दिया है अपने को। अब देखिए दोस्तों 2178 पोस्ट तो होगी ये जो है नॉन TSP एरिया की, और इसी प्रकार होगी जो TSP एरिया हैं उनकी भी होगी। तो तमाम प्रकार के जितने भी न्याय क्षेत्र हैं उनमें इन्होंने अलग अलग बंटवारा करके छोड़ दिया। और ये आरक्षण के बारे में इन्होंने 1% है वो MBC को आरक्षण देने की ये बात इसमें लिखी गई है। उसके अलावा भरतपुर जो धौलपुर के जाट हैं उनके भी आरक्षण की इसमें रखा गया है। तो TSP एरिया हैं उनमें भी देखिए यहाँ पर सिरोही आबू रोड है, यहाँ पर TSP एरिया में टोटल पद होंगे वो होंगे 131। तो प्रतापगढ़ न्याय क्षेत्र आता है इसमें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर न्याय क्षेत्र, तो ये तमाम प्रकार के न्याय क्षेत्र इसमें आते हैं। और यहाँ पर अलग अलग पदों का इन्होंने विभाजन कर दिया। तो 2178 तो हो गए नॉन TSP और TSP एरिया हो गए 131। तो टोटल मिला के 2309 पोस्ट हो गई। चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं, उनमें ड्राइवर भी हो सकते हैं और चतुर श्रेणी भी हो सकते हैं। तो ये तो था सारा जो है पदों का विवरण कि किस प्रकार उन्होंने पद का विवरण है प्रस्तुत किया है। अब देखिए दोस्तों जो कुछ चीज़ें हैं हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन जो है क्या क्या जो आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन्होंने बताया है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान या फिर राजस्थान के द्वारा जितने भी मान्यता प्राप्त हैं कोई भी बोर्ड होगा उसमें सेकेंडरी पास का होना चाहिए। उसके अलावा उसको हिंदी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृति का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो बेसिकली राजस्थान में जन्म लिया है तो हो ही जाएगा, 10वीं पास होना चाहिए इसमें लगभग। उसके अलावा शारीरिक उपयोगिता के लिए कुछ खास नहीं है इसमें। राष्ट्रीयता के बारे में इसने लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें लिखी है। उसके अलावा आयु के बारे में इन्होंने बात की है कि 18 वर्ष से आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने जो छूट की सीमा भी रखी है कि अनुसूचित जाति SC ST उनको अलग प्रावधान रखा गया है और जो OBC हैं उनको भी छूट का प्रावधान रखा गया है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ये छूट से संबंधित है, लेकिन बेसिकली आपको 18 से 35 वाला क्राइटेरिया पूरा करना है। अब उसके अलावा कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, परीक्षा शुल्क का जो है 100 रुपये हैं वो सामान्य श्रेणी के लिए। उसके अलावा जो OBC हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए भी 100 रुपये का रखा गया है। यानी OBC और जो जनरल हैं उनके लिए 100 रुपये का आयोजन है। उसके अलावा SC ST जितने भी हैं, पृथकता, तलाकशुदा, निसर्गजन, उनके लिए 60 रुपये का इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर जो विधवा महिला हैं, पृथकता यानी तलाकशुदा महिला हैं, उनके लिए 60 रुपये है, बाकी 100 रुपये ही लगेगा महिलाओं के लिए भी। तो परीक्षा शुल्क की वापसी है, परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, यानी वापिस आया शुल्क नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो नियुक्तियों के लिए कुछ अर्हताएं हैं, आपको क्या करना है, आपको www.hcraj
डॉट एनआईसी डॉट अपने आप खुल जाएगा वो, यानी राजस्थान हाईकोर्ट की ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहां पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाओगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाकर आपको वो है पीडीएफ ऐसा मिल जाएगा, वहां से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसमें देखिए आवेदन भरने की जो SSOID के वगैरह बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी दी गई है, इसमें कितनी फोटो साइज होनी चाहिए, 50 KB से 100 KB के मध्य हस्ताक्षर की साइज क्या होनी चाहिए, इसमें देखिए आवेदन दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने होंगे, उसको 10वीं की अंक तालिका उसको अपलोड करनी होगी, या फिर कोई भी उसको पूर्व में कोई सजा हुई है उसका भेजना होगा, NCC निर्देशन में अगर कोई कार्य किया है तो वो होगा उसमें, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ये वहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। और ये सारी भर्ती प्रक्रिया आपको कब तक निपटानी है, यानी इसकी भर्ती प्रक्रिया की स्टार्टिंग डेट है वो 12 फरवरी 2018 है, उसके बाद में इसकी जो एंडिंग है जो फॉर्म भरने की वो है 13 मार्च 2018 है, तो इस एक महीने के मध्य मध्य आपको ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जिन ही भाइयों का ऐसे लगे कि हाँ मुझे इसमें आवेदन अप्लाई करना चाहिए वो निश्चित रूप से कर सकता है ई मित्र के थ्रू। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो है दोस्त जो बेरोजगार दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।